थी ना यूसुफ और अनाया का, हम लोगों ने रिएक्शन देखना उस पर। यूसुफ नाराज होकर बैठा हुआ ना, यूसुफ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, मैं करती हूँ, सब लोग ठीक ठाक होंगे और सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज दूसरा रोज़ा है तो मैं सॉरी तीसरा रोज़ा है तो हम लोगों ने बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। अलीज़े बेटे माइक नहीं खींचो प्लीज़, नहीं करो। तो हम लोगों ने ना बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है, बच्चे स्कूल से आए हैं और मैंने उन लोगों को पारा पढ़ने के लिए भेज दिया है। ट्यूशन से आज छुट्टी करवा लूँगी या अलीज़े। तो अभी मैंने उनको नाश्ता वगैरह करवा के अभी कमरे का ये हाल है कि सारे बिस्तरे वगैरह पड़े हुए हैं, ये मैं सारा साफ़ करूँगी, खुद भी तैयार हो जाऊँगी। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे बच्चों को लेके, मैं जाऊँगी बच्चों को लेके भाई पार्क में और उनको वहाँ खेलने में लगा दूँगी। और इसके बाबा जो है वो गाड़ी लेके आएंगे। तो हम लोगों ने बच्चों का स्पेशली ना यूसुफ और अनायक हम लोगों ने रिएक्शन देखना उस पर, क्योंकि बच्चों ने डिमांड की थी गाड़ी जो उनको चाहिए वो है स्पोर्ट्स कार। यूसुफ की तो यही डिमांड थी कि बाबा मुझे बिल्कुल ऐसे रेस कार जैसी गाड़ी चाहिए और ब्लू कलर में, एक मिनट। और अनाया कही थी कि हमें इस तरह की गाड़ी चाहिए जो कि वो हो, क्या उसको कहते हैं, जिसके ऊपर से छत हो वैसे वो विंडो लगी हुई थी ना, वो वाली चीज़ उसको चाहिए थी। तो हम लोगों ने इनका रिएक्शन देखना, क्योंकि गाड़ी तो कोई और ही आ रही है, मुझे तो पता है कि कौन सी हम लोगों ने कार खरीदी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी चीज़ दी है मैंने उसमें हमेशा शुक्र ही किया अल्लाह ताला का। और रमज़ान के महीने में मुझे याद है पिछले रमज़ान में भी इस तरह हुआ था कि मुझे इतनी ज़्यादा जो भी मैंने चीज़ें ऑर्डर की हुई थी ना वो रमज़ान में ही आती नहीं है मुझे। पहले 5 रोज़े जो है ना वो हर रोज़ मेरा पार्सल आ रहा था, कुछ ना कुछ मेरा आए जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला का हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। तो रमज़ान में तो आप लोगों को पता है कि हमेशा अल्लाह ताला अपनी कुछ ना कुछ हमें जो भी हम लोग डिमांड करते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं वो हमें चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचाए सबसे पहले तो, और हासदों की हसद से हमें बचाए, तो बल्कि सबको ही बचाए। जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे जो भी है जैसा भी है, थोड़ा है कम, मतलब कम है या ज़्यादा है, हर चीज़ में मैं शुक्र अदा करती हूँ। तो आज हम लोगों ने बच्चों को सरप्राइज़ देना, पहले मैं कमरे का सारा जो है वो गंद वगैरह उठा के और खुद रेडी होंगी और उसके बाद फिर जो है मैं बच्चों को लेकर बाहर जा रही हूँ। ओके, तो मैं सारा ये जो कमरा है ना इसको सारा साफ़ कर लूँ। अनाया चलो उठो, आप भी साफ सुथरी हो जाओ, मुंह धो के ना बाल जरा सही से बना लो, बाहर चल लेंगे हम लोग ठहर के। हैं यूसुफ, हम लोग बाहर चले कहीं, मैंने वो वीडियो बनानी है ना तो व्लॉग के लिए मुझे वीडियो चाहिए। हम लोग पार्क में जाके हम वीडियो बनाते हैं कि हम लोग इस तरह जा रहे हैं, और क्या ख्याल है यूसुफ, वीडियो नहीं बनानी है क्या मेरे साथ यूट्यूब के लिए? नहीं यूसुफ तो ठीक है ना, आप बस अपना हुलिया हुलिया बदल लो। हाँ, मैं बदलती हूँ, अलीजे को मैं जब तक रेडी कर देती हूँ, मैं भी बस तैयार होने लगी हूँ, ठीक है? ठीक है। यूसुफ के पास जब तक टाइम है जब तक मम्मा ने तैयार होना है, आप तब तक गेम खेल सकते हो। सही काम है, सही काम कर रही हूँ। कौन सा चलो ठीक है, अलीजे के कपड़े देखते हैं अलीजे ने कौन से पहनने हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने थोड़ा सा मेकअप किया ताकि कैमरे में थोड़ी सी अच्छी लुक आए, और बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया हुआ, मैं दिखाती हूँ। अनाया भी रेडी हो गई है और अलीज़े भी रेडी है, यूसुफ भी रेडी है, अलीज़े मनविली अलीज़े भी तैयार हो गई है। तो अब हम लोग जो है वो थोड़ी देर तक हम लोग चलते हैं बाहर पार्क में, और मैं थोड़ा सा बस वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद, क्योंकि मैंने अफ्तारी का भी सामान रेडी करना है, मतलब रेडी होता है बस मैंने सिर्फ आके फ्राई करना है और अफ्तारी का भी देखना है मैंने उसकी भी सारी। तो जैसे मैं घर से बाहर निकलूँगी, मैं घर से ज़रा दूर जाके फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, यहाँ घर के पास मस्जिद होती है तो फिर वहाँ पर लोग खड़े होते हैं, तो इसी मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकती, मैं थोड़ा सा आगे जाके ना फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। हेलो, हम लोग फाइनली पार्क में आ गए, अब यहाँ मुझे वेट करना होगा इसके पापा का। चलो आप लोग अपना अपना खेलो, यूसुफ की तो टांग में दर्द शुरू हो गया ना, वो लीजिए जी।
हाय। अच्छा एक बात तो बताओ, आपने अल्लाह ताला से रमज़ान में गाड़ी के लिए दुआ मांगी है? हाँ। क्या कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? रेड वाली। रेड वाली किस तरह की? कुछ थोड़ा सा आइडिया दो। स्पीड वाली। स्पीड वाली? हाँ। मैक्विन टाइप? हाँ। कि वो जो डड्डू कार खड़ी है वहाँ पे, वो जो शॉप के पास खड़ी है वैसे की, वो जिसको आप कहे थे मम्मा ये मैक्विन जैसी लग रही है, मैं इसको साफ करके घर ले जाते हैं। नहीं वो फ्यूचर है, वो वाली कह रही हूँ। स्पीड वाली? अच्छा चलो देखते हैं, अब अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर देंगे। एक चीज़ मिली है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो बचपन में ना हम लोग भी इतना तीर बनाया करते थे, पतंग की, वो जो बच्चे हुए दिन के नहीं होते उसे। ठहरो ओए बच्चे, ओए ये दिखाओ, चला के दिखाओ। ओ ओ बिस्मिल्लाह, चलो चलाओ, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। किधर गिरी ये पतंग है, उसके बनाइए ना पतंग से, वो निकाल के। हाँ नहीं ये पतंग से ऐसे निकाल के बना के। हाँ और दूरा बात हम लोग भी खेलते। हाँ ये देखो वो आपको बना करके दिखाता है, वो देखो ये देखो, देखा कितनी अच्छी चीज़ें आया। ये सब आप लोगों के जहन और गुमान में भी नहीं होनी है सारी चीज़ें। हम लोगों के पास भी टॉयज ना होते थे, तो हम लोग भी इस तरह की चीज़ों के साथ चीज़ें बना के खेला करते थे। प्लीज़ आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ये सड़ी हुई भूतियों के थके हारे लोग। चलो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आ जाओ आ जाओ अलीज़े। चलो आओ घर चले, मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी प्यास है। चलो आओ ना चले घर। हाँ जी इस अकेले नहीं जाना, रुको। हाय हम लोग ना घर वापस जा रहे हैं, मैं तो इंतजार करके इसके पापा को थक गई हूँ, पूरा एक घंटा, बल्कि एक घंटे से भी ज़्यादा ही टाइम हो गया है। हम लोग ऐसे ही पागलों की तरह भटक रहे हैं। उफ अब मेरी भी बस हो गई है, और यूसुफ तो नाराज़ होकर घर जा रहा है, वो देखो कह रहा मैं अकेला जा रहा हूँ, नहीं ये चीज़ लेके देनी तो मैं घर जा रहा हूँ। एक तो मैं वॉलेट घर छोड़ के आई थी, इसके पापा ने जल्दी आ जाना, पकवाई नहीं है, तो अब हमें घर जाना ही पड़ेगा। रहने दो ना, मैं कर लेती हूँ, जाने दो इसको, मैं कर लेती हूँ। हाँ जी घर चलो सारे, होगी साढ़े सरप्राइज दी टाटा फिश। अली से रुकना, वो बाइक की वीडियो बनाए, वो देखो यूसुफ नाराज होकर बैठा हुआ है। यूसुफ आ जाओ, कभी भी नहीं आना घर। अनाया बैठे मैंने कितनी बार कहा रोड पे ना लेके आओ। यार मुझे ना ये बड़ी जहर लगती है चीज़ें, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। आइंदा कभी भी इस तरह का कोई प्लान नहीं करना, मैं थक गई हूँ। एक तो वो नाराज़ होकर बैठा हुआ है यूसुफ, और घर भी नहीं जा रहा अब, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आइंदा कभी भी मैंने किसी के भी कहने पर इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। बस मैं ना घर आ गई हूँ, मैं सच में थक गई हूँ इंतज़ार कर करके, मुझे इस कदर गुस्सा आ रहा है कि ना शोरों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए सच में, क्योंकि ये लोग जो टाइम देते हैं ना उससे तकरीबन 3-4 घंटे बाद इनको याद आता है कि हमने फला बंदे को टाइम दिया हुआ था, खास तौर पर बीवियों को। तो मैं अब थक हार के घर आ गई हूँ, मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई है, शुगर लेवल जो है वो मेरा इतना कम हो गया कि मेरे से बात भी नहीं कर पा रही, मैं बिल्कुल भी इस कदर मैं थक गई हूँ। हाय अब सरप्राइज़ कोई नहीं देना, बच्चे अपना अपना खेलने चले गए, अनाया अबरिश के साथ चले गई खेलने के लिए, यूसुफ बाहर खेलने चला गया, और मैं अब घर में आ गई लीजे को लेके, क्योंकि ये दोनों रो रहे थे, यूसुफ भी रो रहा है अलीजे भी रो रही है। मैंने कहा कि मैं घर चले जाऊँ और इनको कुछ खाने पीने के लिए दे दूँ। एक तो इतनी तेज़ धूप में मैं इतनी घंटों तक बाहर बैठी रही हूँ, और ऐसे साहब आई नहीं है, तो अब कोई सरप्राइज़ नहीं है, बाहर भी जाए तो मैंने बच्चों को कोई सरप्राइज़ नहीं देना। तो वीडियो को ना मैं अभी यहीं पर बंद कर रही हूँ, तो बाद की बाद में देखी जाएगी। आइंदा अगर कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहना कि बच्चों को फलां चीज़ का सरप्राइज़ देना, मैंने कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करना, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार। मैं एक हर चीज़ जब प्लान की हुई हो ना तो उसके मुताबिक भी फिर भी नहीं चलना, तो फिर फ़ायदा है प्लानिंग करने का। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दुख बहुत हो रहा है कि मैंने एक चीज़ हम दोनों ने रात को बैठ के प्लान किया बच्चों को किस तरह से सरप्राइज़ देना, और अभी तक वो उनका कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे चले गए हैं। मेरी बस हो गई है, सारी वीडियो ना बनाई हुई, सारी मेहनत ही ज़ाया की है मेरी।
मैं मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, इतना तैयार हो गया मैं बच्चों को तैयार किया कि मैं भाई जाके उनको सरप्राइज दूंगी, कोई फ़ायदा ही नहीं है जब मियाँ साहब ने आना ही नहीं घर में। तो इसलिए कहते हैं कि सब बीवियाँ, वैसे ये एक तजर्बा है हर एक बीवी का कि मर्द पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने दिए गए टाइम से 10 घंटे लेट ही होते हैं। ये काम जब बीवी करेगी तो उनको गुस्सा आ जाएगा कि मेरे से बच्चे संभाल नहीं जाते। अब 3 बच्चों को मैनेज करना एक साथ, किसी कभी किसी का मुंह बना हुआ है, कभी किसी का मुंह बन रहा है, कोई नाराज़ हो कि इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, मैं पीछे पीछे भाग रही हूँ कि बच्चों ना करो। एक तो रोज़ा रख के तबीयत भी इस तरह की है कि बस हो जाती है बंदे की, और ऊपर से इतनी तेज़ धूप में मैं तैयार होकर अकेली पागलों की तरह बाहर पार्क में बैठी हूँ।